applause to them. लव सर आपसे शुरू करते हैं. मैं ऐसा हमारी टीम का मानना है, सब लोग ये कह रहे थे कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं जिनमें दिल टूटा होता है ज्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं, तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे. मेरी अधिकतर ना औरों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं. तो क्या आप वो दोस्त हैं जो गाड़ी चला रहे थे? हाँ. तो मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि दोस्त अपनी क्या मरा रहे हैं, कैसे मरा रहे हैं. क्या होता है अपने ऊपर जब इंसान के बीत रही होती तब किसी को हंसी नहीं आ रही होती, जब दोस्त पे बीत रही होती है तो आपको उसमें कॉमेडी दिखती है. सही, ये सही हो रहा है. साहब अंकुर कहाँ हैं? आप माइक उठा लीजिए साहब. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ साहब, कि ये शूट बड़ा दिन चला साहब इसका. प्री कोविड पोस्ट कोविड सब हो गया इसमें. तो जब ऐसा चल रहा होता है मामला कि काफ़ी दिन से कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, प्रोड्यूसर क्या रोज़ जान कटती है कि लगा हुआ सेट खराब हो रहा है? वो तो फिर भी छोटा मैटर था, पर ये जो शूट हुई है उसमें एक्चुअली हमारी लग गई. दिसंबर जनवरी में हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे. पूरी की पूरी पिक्चर मोर और लेस पूरी की पिक्चर सड़कों पे शूट हो रही थी. छः एक्टर थे, पर लेकिन हाँ जान तो निकली हुई थी. ठंड भी है. रोड ट्रिप वाली फिल्म में शूट करना है साहब? डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट. सिमर आप साहब डायरेक्टर हैं, मुबारक हो भाई पहली बात तो. प्लीज़ हूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर This talented boy is one of my favorite actors also. ठीक है. कैसे? हाँ. तो आप साहब, भाई साहब का आशीर्वाद. सर पहले तो डायरेक्टर बैठा हो तो प्रोड्यूसर से ये सवाल मत पूछा करो प्लीज़. क्यों? इतने दिन शूट कैसे चल गया? अच्छा. ठीक है. भाई साहब मैं कह रहा था कि आपका तो मतलब एक्टिंग का भी काम अपना थोड़ा थोड़ा चलता ही है ना, फिर जब ऐसे बड़े लोगों का हाथ जब अपने सर पे आए तो फिर कैसा लगता है, कि सब करने मिलता है या ऐसा रहता है कि सर ये ठीक लग रहा है क्या? सर मैं आगे बढ़ूँ कैसे? नहीं नहीं, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट लव सर एंड अंकुर सर विद मी, जिन्होंने मुझे लाइक कम्प्लीटली फेथली उन्होंने मेरे को छोड़ दिया इन बदमाशों के साथ जिनको संभालने में मुझे बेबी सीटिंग जैसा फील हुआ. बट देर ऑल वर वेरी खूबसूरत पीपल ऑन सेट एंड और एक दूसरे के साथ ऑलरेडी फ्रेंड्स है, तो बहुत ही बुरा था मेरे लिए कि यार ये इतनी बदमाशी कर रहे हैं तो मैं कैसे संभालूं उन लोगों को. बट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो इट वॉज नाइस. साहब आप लोगों से हमारा एक अपने हिसाब से जवाब दें सब लोग बारी बारी से, ठीक है, कि ये जो ट्रैवल प्लस ब्रेकअप का जरा अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए. आप अपना ट्रैवल का बता दीजिए या ब्रेकअप का बता दीजिए, दोनों में से एक कोई. सर जैसी भी आपसे शुरू करते हैं. सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया यहाँ पे. तो करें ट्रैवल का एक्सपीरियंस बता. मैं बता देता हूँ. या तो जी ट्रैवल का बता दो अपने, जिसके अंदर बहुत ही वाइल्ड चीजें हुई हो, एक कोई किस्सा शॉर्ट में, या ब्रेकअप का बता दीजिए जिसके अंदर दिल टूटा और आपने तोड़ दिया टीवी अपने ही घर का. ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो घर वाली देख रही होगी. कह रहे घरवाली देख रही होगी, ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा. नहीं मजाक कर रहा हूँ. बट हाँ ट्रैवलिंग लाइक पंजाब में जैसे आप भी आते हो हमारे पास, आपको पता ही है कि हमारा क्या रहता है वहाँ पे. बट ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये उसके बाद ही हो सकता है कि जो फन हमने ट्रैवल में किया या जो इस फिल्म में देखने को मिलेगा वो पीने के बाद ही हो सकता है. तो हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा कुछ पीने के बाद उसके बाद जो दिमाग घूमता है वो सारा स्टोरी. ये मेरा एक अनुभव रहा है, ये पंजाब में जब मैं जस्सी भाई से हमारी रेगुलरली जब भी मुलाकात होती है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पिलाने दो पैक लेके जाते हैं, ले जाते 200 किलोमीटर हैं. ये जैसे हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट होता है ना स्टोनर फिल्म. हाँ. ये ड्रंक फिल्म है. वाह क्या बात साहब. ठीक पत्र लेखा आप बताइए साहब, व्हाट इज योर ब्रेकअप एक्सपीरियंस? It's strange, but I'll still share it with you guys. Please, that हम तो खुद ही gossip चाह रहे थे. तो मेरा राज के साथ breakup हुआ था initially, और मैं बहुत रोई. मैं मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ बॉम्बे छोड़ के. तो मेरा my best friend, I went with him to Goa. ठीक है, वहाँ जाके उसने मुझे बहुत बोला कि मत रो, ठीक हो जाएगा, तू अपने करियर पे focus कर. तो मैंने लगा ठीक है कर लेती हूँ. फिर मैं वापस आई and I got back. And my friend didn't know this, and he saw us on TV, and he was so so angry. So are you still friends with your best friend? Yeah. I don't think so. He trusts you anymore. Yeah. Manjot bhai sahab, आपका क्या है? बाजी मेरा बहुत बुरा हो रहा है. अभी चल रहा है. Breakup. मेरा चलता रहता है. Breakup. उसका breakup कभी खत्म ही नहीं होता. ये एक ही बंदी से चल रहा है या ये बहुत सारी कर ली थी? जितने भी किस्से हैं मैं उनमें से एक किस्सा बताता हूँ. मैं पुणे में शूट कर रहा था आउटस्कर्ट्स में और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था एक हफ्ते तक. तो जब मैं पुणे सिटी वापस आया शूट ख़त्म करके तो मेरे को मैसेज आता है मेरी किसी फ्रेंड का जिससे मेरी बातें हो रही थी
कि आई गॉट एंगेज्ड, और जैसे ही मैंने टीवी ऑन होता है, मैं होटल रूम में जाता हूँ, वो चाबी डालते हैं ना, लाइट जलती है, टीवी चला, और एकदम से गाना, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ कि आई गॉट एंगेज, और एकदम से गाना चला वो, छंद से जो टूटे कोई सपना मतलब लेजिट मेरा, मैं रोया भी था वहाँ पे। आपको शायद अभी मज़ा आ रहा होगा सुन के, पर मेरा दिल बहुत दुखा था पाजी, जब किसी से प्यार करो और वो ना मिले। ये जब भी रोता है तो हमारे पास ही आता है, मजे ही आता। अच्छा, आप लोगों के पास हमारे पास ही आता है फिर। अच्छा अच्छा, आपका बताइए ना, आप ऐसे मत निकलिए, आप बताइए सर। ब्रेकअप होते हैं किसके नहीं होते, सभी के होते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हो आप। हाँ, तो फिर नेक्स्ट। ये गुड लुकिंग लोगों को लगता है कि लाइन ही लगी पड़ी है, फिर नेक्स्ट। ब्रेकअप होगा फिर क्या करना होता है, अगली ढूंढनी होती, वो खड़ी है दरवाजे के बाहर, आपको बोलना चल, वो रेडी है। ब्रेकअप के बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट, वो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है। हाँ, आप ब्रेकअप को उल्टा सोच रहे हो कि ब्रेकअप हो गया है। हाँ, सनी वेट कर रहा होता है कब होगा, कब होगा, कब होगा। इतनी लाइन लगा चुका होता है कि नहीं, मैं बहुत सीरियस, अगला भी पूछ रहा होता है कि भैया क्या हुआ तुम्हारा। मैं सीरियसली ब्रेकअप करता हूँ। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप भी ब्रेकअप का मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मैं जलंधर से हूँ, तो हमारा ना ग्रुप होता था भाई, जे टाउन बॉलर्स। अच्छा, ऐसे ही हम कूल बनते थे वहाँ पे। हाँ, तो मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसका ब्रेकअप हुआ, मतलब उसका उच्च कोटि पे प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, और एकदम उच्च कोटि का प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, ठीक है, मतलब फुल गंभीरता के साथ उसका प्यार था। उसका ब्रेकअप हो गया और उस लड़की की शादी हो गई, मतलब हो रही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा ना मतलब उसकी मतलब लगी पड़ी थी और सब कुछ है। तो सारे जो भी हमारे गैंग के बंदे थे, हमने कहा यार कोई बात नहीं, शादी शुदी होगी, अपना ट्रिप रूम मार के आते हैं कहीं पे। तो किसी ने बोला गोवा चलते हैं, किसी ने बोला दुबई चलते हैं, तो बीच में एक हमारा दोस्त था कहता भाई मदर नेचर के पास चलते हैं, बाली। तो हम गए भाई बाली, और हमने सोचा था कि उस लड़की का नाम शिवानी है, कि शिवानी की कोई बात नहीं करेगा उस पे। हम बाली पहुंचे और हमने वहां पे पूरा चेक इन वगैरह करा, चिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। जैसे ही हम लंच पे नीचे गए हैं, सामने बैठी हुई थी शिवानी अपने हस्बैंड के साथ, हनीमून मनाने आई हुई थी सेम रिजॉर्ट के अंदर। आउच। तो सिद्धार्थ के साथ जो हुआ उसका हैप्पी बर्थडे, और जिस दोस्त ने बोला था ना कि भाई मदर नेचर के पास जाते हैं, मदर नेचर के पास तो नहीं गए, तो उसका भी हैप्पी बर्थडे मेरे ख्याल से वो हो गया, सौतेली माँ के पास चला। इशिता, आपके ब्रेकअप में मेरे ख्याल से ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड है, करंट बताइएगा आप तो। ब्रेकअप बहुत, आई डोंट नो आई शुड बी शेयरिंग दिस और नॉट, लेकिन चलो जस्ट इन द स्पिरिट। तो सो आई वाज डेटिंग समबडी बैक देन कॉलेज, और ही वाज थोड़ा आई थिंक सो 4-5 इयर्स एल्डर। तो उसके बाद हो गया ब्रेकअप, किसी भी मतलब कॉर्डली हो गया ब्रेकअप। तो उसके कुछ एक साल बाद उसका, उसकी फैमिली सारे प्रेशराइजिंग हिम कि शादी कर लो, शादी कर लो। सो ही केप्ट मैसेजिंग कि कुछ है, सीन है, हो सकता है पैचअप। मैंने कहा नहीं नहीं आई, यू प्लीज़ मूव ऑन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, तो लो ना मतलब स्टार्ट सीइंग गर्ल्स। सो फाइनली ही लाइक द गर्ल और सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि जब तुम्हारे हाथ से कुछ चले जाता है, जब वो एक साल तक था तो लगता था ठीक है, नहीं नहीं इट्स दिस इज़ द वे इट शुड बी, ठीक है वी गुड एज फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि आई एम एंगेज्ड, तो तब तक ठीक था, फिर उसका रोका हुआ, और उसने जब मैसेज करके फोटो भेजी, मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी ब्रेकअप करके, कि यार एक्चुअली प्यार तो करता था। तो फिर आई वेंट ऑन द, रोका नहीं, कुछ एंगेजमेंट, कुछ छोटी सी पार्टी रखी थी, तो वहाँ पे ही केम टू मी एंड इट वाज लाइक अ स्पिनस्टर, लाइक अ बैचलरेट, व्हाट यू कॉल दैट, जो प्री पार्टी होती है। सो या लाइक द सिंगल्स, ऑल द फ्रेंड्स टुगेदर। सो उस पार्टी में ही केम टू मी एंड सेड कोई चांस है अभी, और मुझे शादी की पार्टी में लड़का कह रहा है कोई चांस है अभी, उसके लिए आपको इशिता राज जैसा दिखना भी पड़ता है कि अगला लास्ट मिनट तक ट्राई कर रहे नहीं। तो फिर मैंने एक्चुअली जब उसे मैसेज किया था ना, जब मुझे फीलिंग हुई कि ये मिस हो गया, तो मैंने फिर लिखा आई थिंक सो आई मेड अ मिस्टेक। तो फिर अगली जब पार्टी, हम इस पार्टी में आए, तो उसने बोला कि एक्चुअली कोई चांस है, तो मुझे लगा नहीं नहीं अब तो ज़्यादा हो जाएगा, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू फॉर, मैं कहा नो 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 नो, यू गेट ऑन विद इट। वाह साहब वाह, अगला का बेचारे का जो है ख़राब किस्मत। बुझना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका और लव सर का जो एसोसिएशन है वो शुरू से चल रहा है, इतनी सारी फिल्में आप लोगों ने कर दी, वॉट इज दिस बॉन्ड अबाउट, इज दिस ऑल्सो योर फ्रेंडशिप, आप लोग भी क्या गिड़ी पे जा रहे हैं साथ में, क्या है ये साहब? सी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक स्टूडियो और दोस्ती के अलावा, एक स्टूडियो और एक डायरेक्टर और एक क्रिएटर के बीच में ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो
मुझे इनकी कहानियों पे ट्रस्ट है, इनके जिस तरीके से ये कहानियाँ डेवलप करते हैं उस पे ट्रस्ट है। तो तभी उसी का नतीजा है कि हमने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं और अभी भी और बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है और बहुत पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड मेनी मोर विच वी आर डूइंग टुगेदर। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस फिल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। वी विश यू द बेस्ट।